2 दिन पहले मेरी मुलाकात इनसे जब हुई और इनको जब मेरे कहानी के बारे में पता चला तो ये मुझे ये कहने लगे कि साहिल जी, मैं हर महीने आपका हरियाणा में डीडी न्यूज़ पे प्रोग्राम करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे दूरदर्शन चैनल पे आएंगे। तो इस तरीके से समाज में बहुत सारे अच्छे लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि समाज में हमारे साथ जो है भेदभाव होता है या समाज में सभी लोगों का नज़रिया एचआईवी पॉजिटिव लोगों के प्रति एक जैसा है। बहुत सारे अच्छे लोग हमारे समाज के बीच में हैं जो हमें प्यार देते हैं और हमारे जीवन को एक नया हौसला देते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच अपनी लाइफ का एक छोटा सा कि मैंने अपने जीवन को कैसे सर्वाइवल किया, आज मैं एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए क्यों काम करता हूँ वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मैं 13 साल की उम्र से एचआईवी पॉजिटिव हूँ। जब मैं 11 साल की उम्र का था तो मुझे एक एक्सीडेंट हादसे के दौरान मुझे 11 यूनिट खून चढ़ाया गया और ये मुंबई की बात है। मुंबई में मैं जब रहता था, एक मेरी सिस्टर थी उनके पास मैं रहता था और एक वहाँ पे खून चढ़ाया गया और मैं बीमार हुआ। 3 से 4 महीने मैं एडमिट रहा और फिर वहाँ से निकल के मैं, मेरी एक माँ थी जो बूढ़ी, बहुत बूढ़ी मेरी माँ थी, वो मुझे गाँव लेकर के चली गई। दोबारा मैं 2 साल बाद वापस गाँव के अंदर फिर बीमार पड़ा, लेकिन उस वक्त तक किसी को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर एचआईवी का वायरस आ चुका है। जब मैं बीमार पड़ा दोबारा से और वहाँ पे जो जिला का हॉस्पिटल होता है वहाँ पर मुझे मेरी माँ वहाँ पे इलाज के लिए मुझे लेकर के गई और वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया। धीरे धीरे जो मेरी एचआईवी का लक्षण था, जैसे लंबे समय तक बुखार में रहना, लंबे समय तक लूज मोशन रहना, बॉडी के अंदर स्वाइलिंग थी, बदन में एक छोटे छोटे दाने, रेड कलर के दाने वगैरह निकले हुए थे, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के का बुखार क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। उन्होंने लास्ट में मेरी एचआईवी की जांच कराई और जैसे ही एचआईवी की जांच कराई वैसे ही मेरा रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आया। और एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वहाँ के डॉक्टर का जो रवैया था वो इस तरह का था कि इसको एचआईवी तो उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला कि एड्स है इस लड़के को, छुआछूत की बीमारी है और ये लड़का अगर हॉस्पिटल के अंदर रहेगा तो पूरे हॉस्पिटल में जितने लोग हैं उसको एड्स हो जाएगी, जिस गांव में जाएगा उस गांव में जितने भी लोग होंगे उसको एड्स की बीमारी हो जाएगी, ये हवा में फैलती है, हाथ मिलाने से फैलता है, ये जिस गांव में जाएगा उसमें पूरी एक महामारी बीमारी हो जाएगी और एड्स इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे गाँव के 2 लोग वहाँ पर जो मेरे करीबी भाई थे वो ये बात वाकया सुना उन्होंने और वहाँ मेरे जाने से पहले मेरी माँ मुझे वहाँ लेकर के जाते उससे पहले वो गांव में पहुँच गई और गांव में जाकर के बता दिया कि उसको तो एड्स है और ऐसी बीमारी है कि अगर वो गांव में आ गया तो हम लोग पूरे गांव के लोग मर जाएंगे, एड्स हम लोगों को, सभी लोगों को एड्स हो जाएगा। ये गांव में एक सनसनी टाइप का फैल गया, यहाँ तक कि गाँव में नहीं वहाँ के 4-5 गाँव में इस तरीके का एक दहशत का माहौल हो गया कि लोग मतलब ये सोच रहे थे कि ये बीमारी है क्या जो गांव में आने से पूरे लोगों को फैल जाएगी और डर का एक दहशत का माहौल बन गया था। मेरी माँ किसी तरह गाड़ी में लेकर के और मुझे जो है गांव के अंदर प्रवेश मतलब हुई, वैसे ही गांव के मुखिया, गांव के सरपंच और पूरा गांव इकट्ठा होकर के मेरी गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस लड़के को मैं अंदर नहीं जाने दूँगा। तो मेरी माँ रोने लगी, क्यों? बोला कि इसको एड्स है, ऐसी बीमारी है कि मैं मतलब मुझे बताते हुए रोना आ रहा है कि उन्होंने उस टाइम पे ये बोला कि अगर रखना है तो उस लड़के को खेत के अंदर रखिए। मुझे वो 13 साल की उम्र याद आती है और 13 साल की उम्र जो मेरे लिए था वो एक प्रेरणा थी। मुझे गांव में खेतों के अंदर रखा गया और मुझे मेरी माँ भी दूर से खाना देती थी, जैसे एक एग्जाम्पल थी, बहुत दूर से खाना देना, ऐसे खाने को पैक करके देना और गाँव वाले एक मजाक उड़ाते थे मेरा कि क्यों पता नहीं और फिर इस तरीके से मेरा वहाँ पे बहिष्कार किया गया। और जब मैं धीरे धीरे मुझे एक वहाँ पे एक मसीहा मेरे लिए आए, बस मेरे लिए मसीहा है, थैंक यू, मसीहा मेरे लिए बन के आए। एक वहाँ पे एक टीचर थे जो मुझे बचपन में पढ़ाया करते थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम जीवन में
इस तरीके से कब तक घुट घुट के जियोगे? तुम्हें खेत में रखा गया, तुम्हारे पास कोई आता नहीं है, और मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली चले जाओ और शायद दिल्ली में तुम्हारा कोई रास्ता निकले और कोई इलाज भी हो। मैं वहां से 1800 रुपये मात्र लेकर के मेरी माँ और मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे दिल्ली से ट्रेन में बैठाया। मेरा दिल्ली में कोई मेरी जान पहचान नहीं थी और मैं ट्रेन में बैठ करके 13 साल की उम्र में मैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आया। रेलवे स्टेशन पर मैं रुकने के बाद मैं जो 1800 रुपया लेके आया था वो धीरे धीरे मेरा खर्च होना शुरू हो गया। एक तरफ मुझे अपनी प्रॉब्लम थी कि मुझे एड्स है, मैं मर जाऊँगा, दूसरी तरफ मुझे ये खाई जा रही थी कि मेरा पैसा खर्च होता जा रहा है, मैं कहाँ से आने वाले टाइमों में मैं कहाँ से अपना खाना खाऊंगा, कैसे मैं अपनी परवरिश करूंगा। और एक दिन वहाँ पे जो बच्चे फुटपाथ से कूड़ा बीनते हैं उन बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे मैंने और एक तरफ ये डर था कि मैं अपना स्टेटस एचआईवी का एड्स का मैं कैसे बताऊँ। जिस तरीके से मुझे एड्स का पता चलने के बाद वहाँ पे गाँव में मुझे बहिष्कार किया गया, यहाँ भी लोग मुझे बहिष्कार कर देंगे, तो मैं डर डर के जीता था। लेकिन मैं बच्चों के साथ मेरी दोस्ती हो गई, उन्होंने बोला कि मेरे साथ कूड़ा बीनो और जो कूड़ा बीनोगे उससे 30-40-50 रुपये हम लोग रोज कमाते हैं, कभी हम 100 रुपया भी कमाते हैं और वो 100 रुपया से हमारा ये 50 रुपये से जो होगा उससे हम लोग परवरिश करते हैं। तो मैंने उनके साथ कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया। एक मुझे थोड़ा सा हौसला मिला कि चलो ठीक है, एक खाने के लिए कम से कम ये पैसा तो आएगा और मैं इससे अपने जीवन का परवरिश तो कर सकता हूँ, 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ। कूड़ा बीनते बीनते मैं एक दिन रास्ते से निकल रहा था तो मैंने देखा एक पोस्टर लगे हुए थे कि एचआईवी की जानकारी के लिए संपर्क करें, एक नंबर था दिया हुआ। मैंने उस नंबर पे मेरे अंदर एक बहुत हौसला जगी कि उस नंबर पे मैंने कहा मुझे कि कहीं तो एक रास्ता मिला। मैंने उस नंबर पे मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद एक विजय लक्ष्मी जी जो NDMC हॉस्पिटल कनॉट प्लेस के पास आज भी है, विजय लक्ष्मी थी, उन्होंने कॉल उठाया और मुझे उन्होंने बोला कि बेटा आप कहाँ रहते हो। मैंने उनको बताया कि मैम मुझे एड्स है और मैं कूड़ा बीनता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अभी इसी वक्त अराउंड 11 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे बोला कि अभी इसी वक्त आप यहाँ पे आ जाइए मेरे पास और मैं आपको जो जिन्होंने बोला कि एड्स है कोई बात नहीं है, HIV है, एड्स है, क्या है, आपका मैं इलाज करवाऊंगी और मेरे पास अभी इसी टाइम आइए। मैंने उनसे एड्रेस लिखवाया और मैंने पते पर पूछते मैं उनके पास पहुँचा। मैं जब उनके पास पहुंचा तो मैं 13 साल की उम्र थी, मैं दो निक्कर और बनियान में था मैं और मेरी गंदी हालत थी, कूड़ा बीनने वाले के बच्चों की जैसी हालत होती है वैसी हालत थी मेरी। वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बोला कि बेटा मुझसे पूरी बात पूछी, मैंने उनको पूरा जो मेरे साथ बीता हुआ कल था मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप यहीं पर बैठो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। और वहाँ पर 2-3 लोग बैठे थे, उनको बोला कि ये बच्चा भागेगा, थोड़ा इसका ध्यान रखना कि गेट से बाहर ना जाए। मैं और दहशत में हो गया कि मुझे पकड़ के तो नहीं बैठा दिया इन्होंने, तो मैं बहुत डर गया। तो मैम ने बोला कि नहीं नहीं डरने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रही हूँ, आपके डॉक्टर से बात करके आ रही हूँ, मुझे ऐसे ड्यूटी तसल्ली देके गई। वो क्रॉड प्लेस में गई और मेरे लिए 2 जोड़े कपड़े लेके आए उन्होंने और 2 जोड़े कपड़े लेकर के आने के बाद वो मुझे बोली कि तुम बाथरूम में चलो साहिल, और बाथरूम में मुझे बोला कि नहाओ पहले नहीं तो मैं नहलाऊंगी। तो मैंने बोला कि मैम मुझे मच हुई है, आपको तो बीमारी हो जाएगी, आप भी बीमार हो जाएंगे, मैं तो मरूंगा आप भी मर जाइएगा। तो उनके आंखों से आंसू गिर गया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नहीं नहला रही, तुम खुद नहा लो, नहा लोगे ना। मैंने कहा हाँ, नहा के फिर मैंने कपड़े चेंज किए और बैठा टेबल पे, उन्होंने 1 कप चाय और बिस्किट मंगाया, बिस्किट चाय में डुबोया और बिस्किट चाय में डुबाने के बाद पहले मुझे खिलाया और खुद खाने लगी। ऐसे ही मैंने उनको हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मैम आप क्या कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब मैम तो मैंने बोला उसको, मैंने बोला कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आपको तो एड्स हो जाएगा, आप मेरा झूठा खा रही हैं। वो कहने लगी बेटा एड्स ऐसे नहीं फैलता, आप बच्चे हो, आपको डराया गया, गांव के लोगों के अंदर गलत फहमी थी, वहां के डॉक्टर बेवकूफ थे, मूर्ख थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली डॉक्टर के लिए कि वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं वो जलाल थे, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी और आज ही इसी टाइम से मैं इलाज के लिए मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेके जाऊंगी। और वहां से उन्होंने मुझे ऑटो में बैठाया, थोड़ी देर के बाद चाय बिस्किट मेरे साथ खाया, मुझे वहीं जहां उन्होंने आधी बिस्किट मेरी खाई वहीं मेरा डिप्रेशन आधा खत्म हो गया था और मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ गया। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद मुझे इतना हौसला मिला कि शायद मैं जिंदा रह सकता हूँ और मेरे जीवन में एक मसीहा के तौर पर वो मैडम जो है मुझे मिली और उन्होंने फिर हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे पहले ERT सेंटर्स वगैरह का प्रोग्राम 2004 में चला था, उससे पहले वहाँ पे डॉक्टर रिवाड़ी साहब बैठा करते थे, डॉक्टर रिवाड़ी साहब से मिलवाया उन्होंने,
मेरे पूरे बॉडी का रूटीन टेस्ट, CD4 काउंट और ये सारी चीज़ें मेरी जांच हुई। विद इन 5 दिन 7 दिन बाद उसका रिपोर्ट आना था। फिर वो मैडम मेरी जांच करवा करके मुझे एक शख्स का उन्होंने नंबर दिया जिनका नाम ओम प्रकाश मैन था। ओम प्रकाश जी, उन्होंने बोला कि आज के बाद से आप कूड़ा नहीं मिलोगे। आप ओम प्रकाश जी की शॉप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है मार्केट में, आप इनसे जाकर के मिलो, मैंने आपकी बात कर लिया, आपको वो सहयोग करेंगे। मैंने वहाँ से छूटते ही मैं जाकर के ओम प्रकाश जी से मिला, मैंने उनके पैर छुए और मैंने उनको नमस्ते किया। और नमस्ते करने के बाद मैंने उनको बताया अपने HIV के बारे में, बताया एड्स के बारे में, बताया कि मुझे इस तरह की बीमारी है। वो खुश हो गए, कह रहे बेटा आप मुझे मत बताओ, मुझे सारी कहानी आपके बारे में पता है और आज से आप थोड़ा नहीं मिलोगे, आज मेरी दुकान में रहोगे और आप साथ में पढ़ाई भी करोगे और साथ में आप भी सामने जितना भूख लगे तुम्हें, सामने होटल है, मैं बोल देता हूँ, जितना भूख लगे जो चीज़ आपको खाना हो होटल में जाओ, आपको जितनी बार, 3 में 4 बार 5 बार 3 बार जितना भूख लगे भरपेट खाना खाओ, पढ़ाई करो और मेरी शॉप में आज से रहना शुरू कर दो। मेरा और भी डिप्रेशन वहाँ से कम हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से मैं निकल करके मेरा 1 हफ्ते बाद मेरा जो है रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट आने के बाद मेरा CD4 काउंट 1284 जैसे एक नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे मेरा रिपोर्ट आया। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें सिर्फ HIV का अभी तुम्हारे बॉडी के अंदर वायरस आया है, एड्स नहीं है, तुम तो पूरी जिंदगी जियोगे। मैं लिख करके देता हूँ कि तुम बहुत लंबी जिंदगी जियोगे। और इस तरीके से मुझे एक मोटिवेशन मिला सभी लोगों का और मैंने अपने फील्ड में काम करना शुरू किया। जब मेरे पास सुबह उनका 11:30 का वक्त बचता था, जो दुकान खुलने से पहले का टाइम, मैं आरएमएल हॉस्पिटल चला जा करता था और वहाँ पे दूर दराज से लोग, कभी बिहार से, कोई यूपी से, आंध्र प्रदेश से, MP से, गुजरात से, सभी लोग HIV पॉजिटिव लोग अपने अपने परिवार के साथ आते थे कि मेरे बच्चे को एड्स है, मेरे बच्चे को बीमारी है। क्योंकि डॉक्टर तिवारी साहब का ही एक कमरा था जो उस टाइम में वो HIV पॉजिटिव लोगों को देखते थे, तो मैं उनके पास जाता था, मैं कहता था कि देखिए आपके बेटे को एड्स नहीं है, HIV है और मैं डॉक्टर साहब से आपको मिलवाऊंगा। देखिए मुझे भी उन लोगों ने बहुत डराया धमकाया, मुझे भी गांव वालों ने निकाल दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ऐसे ही डॉक्टर तिवारी साहब से मिलवाता था और उनको बताता था कि आप सर इनको देख लीजिए, आप जो मेरी जाँच आपने करवाया इनकी भी करवा दीजिए, तो बड़े खुश होते थे डॉक्टर तिवारी साहब। कहते थे बेटा तुम्हें देख के ना, तुम इतनी छोटी उम्र में तुम ये सब काम करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन ये तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है, ठीक है, तुम्हारा मन का लगाव है, तुम पढ़ाई करो और तुम कुछ अच्छा ऐसा काम करो जिस पर तुम्हारा नाम हो, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और मैं धीरे 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 मैं इसके साथ दुकान में भी काम करता था, पढ़ाई भी करता था और साथ में सोशल वर्क के लिए मैं वहाँ पर आ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि HIV पॉजिटिव लोग घबराए हुए लोग आते हैं, उनको सहारा देने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ जाँच होता था मैं उनको जाकर के जाँच करवाता था और वापस जब वो 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद अपनी रिपोर्ट लेके जाते थे तो उनके माँ बाप मुझे बड़ी दुआएं देते थे और मुझे बड़ा गर्व होता था, मुझे बड़ा गर्व होता था कि गाँव से देश की जमीन बेच के 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये अपने बच्चों के लिए लाते थे इलाज के लिए, वो पैसा उनका वापस जाता था, तो उसमें से मुझे 1,500 रुपया देने की कोशिश करते थे कि बेटा तुमने मेरा फ्री में करवाया रख लो, लेकिन मैं किसी से लेता नहीं था। मैं कहता था कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे खाना मिलता है, मुझे रहने के लिए जगह है और मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से मैंने काम किया। हमारे बीच एक राहुल जी बैठे हैं, इसी दरमियान मेरी राहुल भाई से मुलाकात हुई, इन्होंने अपने घर में मुझे सहारा दिया, घर में सहारा दिया, अपने एक परिवार में मुझे रखा। और धीरे 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 मैंने जागृति HIV/AIDS ऑर्गेनाइजेशन में मेरी एक जॉब लग गई। उस टाइम में 1800 रुपया मेरी सैलरी थी, आउटरीच वर्कर का काम मिला और आउटरीच वर्कर का मेरा जो एक सपना था कि मैं अपने HIV पॉजिटिव लोगों की मदद करूंगी, तो मेरा सपना पूरा हुआ। और उसी दरमियान में मुझे पता चला कि एक्शन एड इंटरनेशनल एड्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक फेलोशिप प्रोग्राम निकला था जो 5 साल के लिए एक HIV पॉजिटिव है लोगों को 5 साल वो एम्पावर करते थे, एक कैपेसिटी बिल्ड उसकी बढ़ाते थे और उसके मेन पावर को बढ़ाते थे ताकि एक लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटी आए और उस लीडरशिप क्वालिटी से वो पूरे हिंदुस्तान में काम करें और एक समाज के लिए एक उदाहरण बने। तो उस 5 साल का जो मेरा संघर्ष रहा उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और देखे कुदरती कि मेरे साथ कुदरत हर कदम पे मेरा साथ दिया। 1800 रुपये से नौकरी मेरी सीधी 12,000 में मेरी नौकरी लगी। जब मैं एक्शन एड में मेरी ज्वाइनिंग हुई विद इन 4 महीने के अंदर में, तो मेरा सिलेक्शन 12,000 रुपये की सैलरी पर हुआ और पूरे नेशनल लेवल पे मुझे घूमने का मौका मिला।
आज मैं दिल्ली में हूँ, कभी मुंबई, कभी चेन्नई, मतलब महीने में 8-10 राउंड मिलने लगते थे। फ्लाइट से उतरना, बड़े होटलों में ठहरना, वहाँ पे लोगों को बड़े बड़े ऑर्गेनाइज मीटिंग में लोगों को अपने बारे में बताना, मतलब एक लीडरशिप का मुझे वो मिला। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक पूरा घूम घूम करके अपने HIV पॉजिटिव लोगों को जागरूकता का काम किया, HIV पॉजिटिव लोगों को मोटिवेशन दिया मैंने, और इस तरीके से कार्यक्रम को मैंने शुरू किया। उसी दरमियान मुझे सिखाया गया था कि 2000 जब आपका 5 साल के बाद अगर ये फेलोशिप प्रोग्राम आपका छीन जाएगा, आपसे हम वापस ले लेंगे, तो आपको जो हम सिखा रहे हैं, आप अपने समाज में या अपने HIV पॉजिटिव लोगों के साथ कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपको NGO कैसे बनानी है, आपको फंड कैसे लेना है, मेमोरेंडम क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, किस तरीके से आपको बातचीत अपनी रखनी है, कहाँ से आपके पास पैसा आएगा ताकि आप अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मैंने 2007 में वहाँ से सीखने के बाद ये OPMP प्लस NGO का मैंने रजिस्टर करवाया। तो जब रजिस्टर कराने का नाम चुनना था तो बहुत अच्छे अच्छे नाम लोग मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, ओम प्रकाश नेटवर्क पीपल लिखने चाहिए। मैंने ओम प्रकाश जी के नाम पर मैंने इस संस्था को बनाया और आज भी मैं उनके नाम को जीवित रखा, और शायद आज मैं अगर मैं जिंदा हूँ तो शायद उनके ही बदौलत, क्योंकि उन्होंने जो मोटिवेशन दिया और HIV के साथ में जिया। हालांकि HIV से ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ लाइफ जिया, पीछे मेरा पैरालिसिस हुआ, मैं आपको बता दूँ, मुझे बोन टीबी हो गई, जिसके कारण मैं बिल्कुल 3 साल बेड पे पड़ा रहा। मेरे बॉडी के अंदर सिर्फ हाथ को छोड़ के नीचे का हिस्सा पूरा बेकार हो गया था, मेरा पैरालिसिस था। इसी बीच में मैं डॉक्टर अनुपम कटारिया मैम से मेरी मुलाकात हुई, जो हमारे बीच बैठी हैं, और मेरे पास कोई इलाज के लिए पैसा नहीं था। मैं काम तो करता था, जो पैसा आता था उससे मैं अपना अपनी परवरिश करता था सारी चीज़ें, क्योंकि इतना बड़ा पैरालिसिस का जो इलाज था वो संभव नहीं था। और इंडियन स्पाइनल में मुझे एडमिट कराया गया, जो वहाँ पे बहुत कॉस्टली इलाज था। अनुपम कटारिया मैम ने मेरे लिए एक मसीहा की तरह मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे वहाँ पे इंडियन स्पाइनल में एडमिट करवाया। और किस तरीके से मेरा हॉस्पिटल का बिल पे हुआ, मेरे ख्याल से 12-13 लाख का बिल था। अनुपम कटारिया मैम ने कहाँ कहाँ से लोगों के रिसोर्सेज पैदा किए और मेरा बिल पे हो गया। मैं अपने 4 साल में वहाँ पर अराउंड 3.5 से 4 साल में एडमिट रहा। वहाँ पे जो डॉक्टर AK छाबड़ा साहब थे वो लगातार मेरे लिए प्रयास करते रहे। लोग कहते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों का ऑपरेशन नहीं करते, मुझे वो कहते थे कि साहिब मैं जब तक मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा रहा हूँगा जब तक तुम पैरों पे अपने खड़े नहीं हो जाओगे। मेरा मेजर ऑपरेशन उन्होंने 4 किया और लास्ट में कुदरत का करिश्मा देखे कि आज मैं अपने पैरों पर चल रहा हूँ। और ये सब ऊपर खुदा और नीचे जैसे कटारिया मैम और डॉक्टर छाबड़ा जैसे महान हस्तियों का ही कारनामा है। और इस तरीके से मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ और आज अपने समाज के लिए जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम करूँ। साथ में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि HIV पॉजिटिव होना मेरे हिसाब से, देखिए किस्मत की बात है, HIV पॉजिटिव हो सकता है जाने अनजाने में खून चढ़ा दिया गया हो, जाने अनजाने में कहाँ से, लेकिन जब अगर HIV हो गया है तो हम समाज का एक कर्तव्य बनता है, एक फर्ज बनता है कि हम उनको मान सम्मान दें, उनको समाज में एक प्यार दें, क्योंकि समाज में जो है आपके प्यार का इतना महत्व है। और जो ये मैंने आपको बताया वो इसलिए मैंने बताया कि देखिए एक विजय लक्ष्मी जी ने या कटारिया मैम ने या डॉक्टर छाबड़ा साहब ने जो मेरे लिए किया, वो भी तो एक इंसान थे, वो भी चाहता तो मुझे मरा हुआ छोड़ देते, मुझे कहते कि इसको एड्स है, मैं क्यों इनकी मदद करूं। लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए प्रयास किया, मेरे लिए जो एक मसीहा बन गया है, आज इनके बदौलत मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं और मैं समाज के सामने एक मिसाल हूं। मैं अपने आप को तारीफ नहीं करना चाहता एक, लेकिन मैं जो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, अपने आप को एक अच्छा, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक समाज के लिए अच्छा कार्य करता हूँ। और मैं जब तक जिंदा हूँ HIV का वायरस मुझे जब तक, मैं इससे लड़ता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि HIV हारे और मैं जीवित रहूँ, ये मेरी सरकार है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए भी प्रयास करूँगा कि HIV एक दिन हारेगा और हमारे बीच जितने भी HIV पॉजिटिव लोग हैं वो जीवित रहेंगे। इसके साथ मुझे आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ।
Thank you.